क्या आपने कभी सोचा है कि दो रुपये एक परिवार की इनकम हो सकती है ऐसा ही एक मामला सामने आया है और दो रुपये परिवार उसका साल भर में कमाता है एक सर्टिफिकेट ऐसा ही जारी किया गया है कहाँ का है सर्टिफिकेट बताएंगे आपको पूरी कहानी बने रहें हमारे साथ चलिए फिर खबर को आगे बढ़ाते हैं मध्य प्रदेश के एक परिवार की सालाना कमाई सिर्फ दो रुपये है यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आय प्रमाण पत्र यह सारा कुछ माजरा समझा रहा है लोक सेवा केंद्र में आवेदन करने के बाद यह सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जारी किया था कार्यालय के अंदर किस प्रकार लापरवाही बरती जाती है यह उसका एक नमूना माना जा सकता है मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यालय में किस तरह लापरवाही बरती जा रही है इसकी हकीकत सागर जिले के वंडा में देखने को मिली है यहां पर तहसीलदार ने छात्र के परिवार की वार्षिक आय दो रुपये होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया छात्र ने वेदन करते समय हालांकि परिवार की वार्षिक आय चालीस हज़ार रुपये बताई थी लेकिन चालीस हज़ार रुपये के स्थान पर लोक सेवा केंद्र के अंदर जो चालीस हज़ार की इनकम दर्ज की गई उसको दरकिनार करते हुए दो रुपये इनकम दर्ज कर दी अब यह सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो रहा है और सुर्खियां भी बटोर रहा है दरअसल वडा के गांव गोगरा के रहने वाले बलराम चंडार ने लोक सेवा केंद्र में आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन किया था आवेदन करते समय बलराम चडार ने वार्षिक आय चालीस हज़ार रुपये बताई थी लेकिन लोक सेवा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करते समय चालीस हज़ार की जगह आमदनी दो रुपये दर्ज कर दी गई वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जय बाबू से तहसीलदार तक पहुंचता है सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन के बाद सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है इस दौरान आवेदन बाबू से लेकर तहसीलदार तक पूरी प्रक्रिया करते हुए पहुंचा। इसके बाद तत्कालीन बड़ा तहसीलदार ज्ञान चंद राय ने आवेदन पर हस्ताक्षर किए इस दौरान तहसीलदार ने भी नहीं देखा कि सालाना इनकम सर्टिफिकेट के अंदर मात्र दो रुपए लिखी हुई है उन्होंने भी अपनी आंख बंद करते हुए सर्टिफिकेट पर अपने हस्ताक्षर जड़ दिए सर्टिफिकेट हालांकि 8 जनवरी 2024 का जारी किया गया है लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है और वायरल हो रहा है यह वीडियो और चर्चा का विषय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है